बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेल में देखें, यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक टारगेट दिया जाता है उनकी बेसिक सैलरी के अलावा, कि अगर आपने इतना टारगेट अचीव किया तो आपको इतना परसेंटेज जो है वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो मैं इनकी सैलरीज मेंशन कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरा कॉलम जो है वो सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, जैसे इनकी बेसिक सैलरी है 15,000। अब सब कॉलम में एक साथ अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर कर देना है। तो ये देखें, ये वन टाइम में ही जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेट को यहाँ से आप जो है वो कॉमा में चेंज कर देंगे तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर डेली बेसिस पे टारगेट है, जैसे आपने डे वन से लेकर डे फोर तक का टारगेट रखा हुआ है, तो डे वन में कितना टारगेट और डे टू में, डे थ्री, डे फोर। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पर कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूं, बाकी जो एक्चुअल टारगेट होगा वो यहां पर आपको मेंशन करना है। मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, इक्वल रेंट बिटवीन। रेंट बिटवीन का फॉर्मूला होता है जिससे आप जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूज को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां मैं ले लेता हूं कम से कम बॉटम में 500 वैल्यूज कॉमा, और टॉप पर यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जो है वो 1000 यहां पर आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे तो ये हर जगह जो है वो ये वैल्यूज अप्लाई हो जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इन्हीं रेंज को सेलेक्ट करके रखूंगा, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके राइट क्लिक करूंगा, यहां पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन में जाकर वैल्यूज पे चेक लगाकर इसको मैं कर दूंगा ओके। अब इसके बाद यहां पर आपके पास है टारगेट। अब टारगेट आपको देखना है कि आपका टारगेट कितना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं यहां पर जो है वो इक्वल लगाता हूं, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं और रेंज वन यानी कि यहां सेलेक्ट करूंगा जो कि डे वन से लेकर डे फोर तक का आपकी रेंज है, इसको आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है और यहां से आपने फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। तो देखिए, यहां पर आपके पास जो है वो टारगेट आ चुके हैं। अब इस तरीके से ये जो ग्रीन आउटलाइंस आपको नजर आ रही कॉर्नर पे, यहां आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए, यहां पर जो है वो हर एम्प्लॉय का जो है वो डे वन से लेकर डे फोर तक का जो है वो टारगेट यहां पर निकल के आ चुके हैं। अब हमने कितना टारगेट असाइन किया हुआ है तो टारगेट अचीव हम यहां पर लिखेंगे, और जिसका टारगेट यानी इंक्रीज हो जाता है तो उसको कितना परसेंटेज मिलेगा। तो जैसे हम यहां पर 20% के हिसाब से कर देते हैं कि उसको 20% उसकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। अब टारगेट कितना रखना है तो वो आपको यहां पर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जब पहले हम यहां पर टारगेट असाइन करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप टारगेट रख दीजिए 2800 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पर रख दिया 2800 रख दिया। अब इसके बाद आपको देखना है आपकी परसेंटेज जो है वो किस हिसाब से बन रही है। तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन कर लेना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो आपका टारगेट है आपने इसको सेलेक्ट करना है, अगर आपका टारगेट ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किस चीज के, आप टारगेट अचीव जितना रखा होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और F4 से आपने इसको लॉक करना है। उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है और ट्रू वैल्यू के अंदर आपको क्या प्रिंट करना है कि अगर आपका टारगेट ग्रेटर होगा तो आपके टारगेट के अंदर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज को आपने सेलेक्ट करके यहां पर F4 से इसको भी आपने लॉक कर देना है और कॉमा लगाएंगे। फॉल्स वैल्यू के अंदर आपको वैल्यू देनी है, कोई टेक्स्ट देना है या ब्लैंक छोड़ना है तो वो भी आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ लेता हूं, तो मैं डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहां पर मैं कर दूंगा एंटर। जैसे ही मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए यहां पर आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है। अब यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, इसको ड्रैग कर लेता हूं। ड्रैग करने के बाद देखिए, जहां टारगेट अचीव नहीं हुआ है वहां पर यहां पर आपको जो है वो जीरो इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारा टोटल टारगेट है वो क्या आ रहा है। तो इसके बाद आपको यहां पर इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद जो आपकी परसेंटेज है इसको आपने प्लस कर देना है आपके टारगेट में और उसके बाद आपको यहां पर एंटर करना है। एंटर कर देंगे तो ये आपका टोटल टारगेट निकल गया। अब ये तो आपका डे फोर तक का टारगेट था, यहां पर आपका परसेंटेज आपके टारगेट के हिसाब से ऐड हो चुका है और टोटल टारगेट आपका जो है वो दोनों हमने प्लस करके इस फॉर्मूले को कर देंगे ड्रैग। अब जैसे ही ड्रैग करेंगे, अच्छा यहां पर अब आपको इस तरीके से वैल्यू दिखा रहा है, तो अगर वैल्यू दिखाएगा तो यहां ब्लैंक छोड़ने के बजाय फिर आप यहां पर जो है वो इस तरीके से जीरो ऐड कर देंगे और एंटर कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो इसलिए वैल्यू यहां पर आपको आंसर दिखाएगा एरर। तो ये देखें इस तरीके से आपका, देखिए यहां पर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, अब जीरो ऐड हो गया यहां पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी सैलरी में जो है वो कितना इंक्रीज जो है आपकी सैलरी हो रही है। तो इसके लिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी है इसको आपने सेलेक्ट करना है
और इसमें आप प्लस कर देंगे जितना आपका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो जिस हिसाब से जिसका आपका इनका इंक्रीमेंट लगा है वहां पर वैल्यूज आ रही है, जिनका नहीं लगा वहां पर यहां पर आपको जीरो दिखा रहा है। तो आपने इन दोनों को प्लस करके एंटर कर देंगे। तो देखिए 15,000 बेसिक थी और 15,000 के अंदर जो है यहाँ पर 569 जो थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और इस फॉर्मूले को भी हम कर देंगे ड्रैग, नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है जिसकी बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 15 है, क्योंकि कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ। और जिसकी सैलरी आपके टारगेट से ऊपर जा रही है तो उनकी सैलरी के अंदर जो उनका परसेंटेज है वो उनका ऐड होकर आ चुका है। तो इस तरीके से पूरी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।